और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ठप हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आई है। हालांकि इसे कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये साइबर अटैक भी हो या खराबी हो, अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन हम आपको बता दें पूरी दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए अमेरिका, भारत, जर्मनी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये तमाम देश ऐसे हैं जो इस वक्त कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। 5 ऐसे सेक्टर हैं जिसपे सबसे ज्यादा इस माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की वजह से असर पड़ा है। ये 5 सेक्टर हम आपको बता देते हैं। हवाई सेवा बहुत सारे देशों में बिल्कुल ठप सी पड़ गई है। जो यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है जो पूरी तरह से ठप हो गया कई देशों का, जहां पर कामकाज बिल्कुल रुक गए हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनियां, खासतौर पर आईटी कंपनियां हैं, वहां पर भी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो खराबी आई है, ये खराबी किस तरह की खराबी है अभी इसकी जांच हो रही है। बताया जा रहा है साइबर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के कामकाज को इस वक्त ठप कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि किस तरह से हवाई सेवा पर असर पड़ी है। बुकिंग नहीं हो पा रही है, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, फ्लाइट नहीं ले पा रहे हैं, बोर्डिंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पर काम काज, लेन देन सब कुछ रुक गया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का काम भी रुक गया है। आईटी कंपनियों का कहना यह है कि हो सकता है ये कि एक तरह से अटैक हो, साइबर अटैक हो, क्योंकि उनके जो सिस्टम थे वो अचानक बंद हो गए, शट डाउन हो गए, ब्लू हो गई स्क्रीन, और उसके बाद एक बार फिर से जितने भी जो भी वहां पर सिस्टम लगे हुए थे वो ऑन हुए हैं। इसलिए ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये साइबर अटैक हो। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है इस बात से। ऑस्ट्रेलिया में आपात बैठक बुलाई गई है, ब्रिटेन में आपात बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे देश में भी, तो 4 ऐसे एयरलाइंस है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। उन पर भी यही है कि वहां पर भी सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कब तक माइक्रोसॉफ्ट का जो ये सर्वर है वो ठीक हो पाएगा, कब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा, जिससे जो पूरी दुनिया का कामकाज प्रभावित हुआ है वो ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ पाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।